हेलो दोस्तों, ब्लेंडर की इस नए ट्यूटोरियल सीजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय। दोस्तों, आज से हम ब्लेंडर की एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम जीरो से लेकर प्रो लेवल तक की हर एक चीज़ें सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लेंडर है क्या और ब्लेंडर का यूजेस क्या है और ब्लेंडर को किसने बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि आपकी कंप्यूटर के हार्डवेयर अकॉर्डिंग आपको ब्लेंडर का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहिए। दोस्तों, ब्लेंडर एक मोस्ट पावरफुल ओपन सोर्स 3D सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, इसका यूज़ करके आप विजुअल इफेक्ट, ग्राफिक डिज़ाइन, 3D गेम्स, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी एनिमेशन, कार्टून वगैरह बना सकते हो। दोस्तों, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है टॉम रोसेंडल। अगर आपने अभी तक इनके बारे में नहीं पढ़ा या नहीं जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जाओ गूगल पर और इनके बारे में पढ़ो, क्योंकि इनकी वजह से आज हम जैसे लाखों लोग 3D सॉफ्टवेयर को फ्री में सीख पा रहे हैं और उसका यूज़ कर पा रहे हैं। मेरी तरफ से टॉम रोसेंडल को बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर अकॉर्डिंग हमें ब्लेंडर का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पर ब्लेंडर का 3.4 वर्जन चल रहा है, जो कि एक हाई PC के लिए है और एक हाई PC हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ लिखा है डाउनलोड्स, इसके नीचे लिखा है दोस्तों रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, नीचे आओगे, तो आपको यहाँ लिखा है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम और रिकमेंडेड, ठीक है। मिनिमम में क्या क्या होना चाहिए यह बताया गया है और रिकमेंड क्या क्या किया गया है वो बताया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा है 64-bit क्वाड कोर CPU, ये तो आपका होना ही चाहिए, 8GB रैम तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फुल HD डिस्प्ले नहीं है तो भी चलेगा, माउस होना चाहिए, ट्रैक पैड और पेन टेबलेट नहीं है तो भी चलेगा, और ग्राफिक कार्ड कम से कम 2GB रैम तो होनी ही चाहिए, ठीक है। दोस्तों, मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो भी 2GB है और जो मेरा कंप्यूटर है उसका जो हार्डवेयर है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर जो मेरे कंप्यूटर का है वो i5 फोर्थ जनरेशन का है और जो रैम है वो है 8GB और ग्राफिक कार्ड दोस्तों 2GB है और मैं ब्लेंडर का 2.93 वर्जन बहुत ही आसानी और अच्छी तरह से यूज़ कर पाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट में ये सब है जो मेरे पास है, तो भी आप ब्लेंडर का 2.93 वर्जन यूज़ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो आप यहाँ नीचे आ जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस वर्जन, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे ऑल प्रीवियस वर्जन के ऊपर डाउनलोड्स में जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लेंडर के सारे वर्जन मिल जाएंगे जो कि अभी तक रिलीज हुए हैं। तो आप यहाँ से कम 2.83 वर्जन को डाउनलोड करके ब्लेंडर को आसानी से सीख सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों, जब आप ब्लेंडर को एक बार सीख जाओगे तो आप अपने PC को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। हम ब्लेंडर के बारे में थोड़ी नॉलेज लिए, कहाँ पर यूज़ होता है, किसने बनाया है और आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से हम ब्लेंडर को सीखना स्टार्ट करेंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।